बताएं कि जो नैब तरमीम वाला मामला हुआ है, इसका फायदा वैसे तो गवर्नमेंट को उठाना चाहिए था, वो उठा भी रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बकौल, लेकिन फायदा इमरान खान साहब को भी हुआ है, हालांकि इमरान खान साहब ही इसमें इन्वॉल्व थे। बस वो केस तो वो कहते हैं ना, जीतूं तो पिया तुझे पाऊं, हारूं तो मैं तेरी। वो तो खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए तो ये केस ऐसे ही बन गया था। उसकी वजह ये है कि ये एक और चीज भी कहते हैं, वो कहते हैं पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हाँ ये केस तो सही है। देखिए एक तो केस है कोई नहीं, बिल्कुल फजूल केस है जिसका ना सर है ना पैर है, ना कोई एविडेंस है ना कुछ है। तो वो हिसाब से केसेस वैसे ही इमरान खान साहब के ऊपर तो बिल्कुल ही कोई उनका हैसियत नहीं है। लेकिन इससे ये जरूर है कि जो एक प्रोसिक्यूशन हो रही थी उनकी, उसको वो रुकेगी। और डेफिनेटली ये जो दोनों केस हैं, जो अलकादर ट्रस्ट है वो इसलिए अब आगे नहीं चल सकता कि ये कैबिनेट का डिसीजन है, और नैब की जो अमेंडमेंट बहाल हुई है इसमें यह है कि कैबिनेट के डिसीजन जो है वो फौजदारी कानून जो है उस पर लागू नहीं होता। और जो दूसरा केस है वो इसलिए नहीं लागू होगा कि उसकी मालियत 50 करोड़ से कम है, लिहाजा वो दोनों केसेस जो है वो कोर्ट प्रोसीड अब नहीं कर सकती। लेकिन ये दोनों केसेस में अगर नहीं गिरफ्त में आ रहे तो ठीक है, लेकिन वो जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाला मामला है वो तलवार तो लटक रही है वहीं पर ही। कल अगर आप देखें तो जो स्पोक्स पर्सन है मिलिट्री के, उन्होंने ये बात कही है कि देखिए फौज जो है वो किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है और ना ही हम सियासत में हिस्सादार हैं। नाउ दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। अगर आप साथ ही इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाते हैं तो फिर आप तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे अपने स्टेटमेंट को। लिहाजा कल अगरचे उन्होंने इसका कोई जवाब उस तरह से नहीं दिया था, अखबारों ने कुछ ने ये तासुर दिया है कि वो उनका इशारा था मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की तरफ, बट मेरे ख्याल में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो थी वो पॉजिटिव ही थी, कोई नेगेटिव नहीं थी। 9 मई बड़े अरसे बाद जो है उन्होंने नहीं कहा इंतशारी टोला, डिजिटल दहशत गर्दी, ये जो फेवरेट टर्म्स बन गई थी हमारे ISPR की, वो नहीं थी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मैं समझता हूँ एक मुस्बत एक कदम था। और इसको ही आगे बढ़ाना चाहिए। न्यूट्रलिटी जिस तरह आज इमरान खान ने भी कहा है, कहने से नहीं होगी। वो तो जनरल बाजवा साहब भी आपको याद है 10 दफा तकरीरों में उन्होंने कहा हमने ये फैसला कर लिया, हमने वो फैसला कर लिया, बट दीज आर एक्शन। एक्शंस डिटरमिन करेंगे कि जो आपने न्यूट्रल है या नहीं है। लेकिन इसमें एक और भी चीज ऐड कर लेना चौहान साहब, कि अगर अंदर से ही लोग उठ के इस बात की तस्दीक करना शुरू कर दें कि फैज़ हमीद बिल्कुल एक्टिव थे, रऊफ हसन की तरफ और मैं आमिर डोगर की तरफ इशारा कर रही हूँ कि वो बिल्कुल सियासत में एक्टिव थे अपनी पोजीशन के वक्त भी और पोजीशन के बाद भी, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत के साथ अच्छे रबतों में भी थे, तो फिर तो ये वो कहते हैं ना घर को ही आग लग गई, घर के चिराग से वाला मामला हो जाएगा। नहीं मेरा नहीं ख्याल, कल मैंने सुना है उनको रऊफ हसन साहब की सुबह मैंने ट्विटर के ऊपर वो स्टेटमेंट देखी और आमिर की भी मैंने देखी है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि जी वो बड़े उस वक्त इफेक्टिव थे, जो भी DGISI होता है जी वो इफेक्टिव होता है, आज के DGISI क्या इफेक्टिव नहीं है। और दूसरी बात थी कि अपना ये कि वो बाद में उन्होंने कहा लैक्स लैक का ताल्लुक था, तो वो उसमें क्या बुराई बात है। वो अगर उन्होंने कभी उनको फोन करके हालचाल पूछ लिया, कोई अपना गमी खुशी में चले गए, तो वे सियासत में एक्टिव होना तो नहीं है। और वैसे मैं आपको बताऊं, जो लोग भी थोड़ा बहुत भी फौज को जानते हैं करीब से, उनको पता है कि रिटायरमेंट के बाद जो है जनरल जो होता है ना वो बस रिटायर ही होता है, कोई उसकी कोई वो कोई नहीं होती, उसने क्या किसी की। मुझे ये बताएं, वैसे तो कंपैरिजन नहीं बनता है उस्मान बुज़दार और मरीम नवाज की कारकर्दगी के दरमियान में कि कौन बेहतर वजीर आला है, लेकिन आपको लगता है कि मरीम नवाज वैसे काफ़ी काम कर रही हैं और बोलती भी हैं, वैसे उस्मान बुज़दार साहब बोलते भी नहीं थे, बड़े खामोश तबीयत थे। अच्छा पहली बात तो ये कि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि इमरान खान के दौर में सिविलियन स्पेस जो थी वो काम हुई थी, सारे काम जो थे वो प्राइम मिनिस्टर ने किए। आप देख ले उस वक्त की आर्मी चीफ, कितने पाकिस्तान में आर्मी चीफ और DGI ने कहा हो कि इस आदमी को चेंज कर दें, और प्राइम मिनिस्टर के जी मैंने चेंज नहीं करना, बुज़दार की मैं बात कर रहा हूँ, कितना जोर लगाया उन्होंने नहीं चेंज किया। इसके अलावा भी मैं आपको 10,000 चीजें बता सकता हूँ कि जिसमें जमीन देने का ये क्लब्स के मामले थे, नेवी क्लब वगैरह के, इमरान खान नहीं माने।
और जो भी कैबिनेट ने फैसला किया है वो पूरी की पूरी तरह इम्प्लीमेंट हुआ है। सो ये कहना गलत है, इसका कंपैरिजन ही नहीं है आजकल की गवर्नेंस का उस वक्त की गवर्नेंस से। और देखिए अगर आप सीरियस नोट अगर आप बुज़दार कहना चाहें मरियम नवाज, देखिए दोनों में सच्ची बात है चीफ सेक्रेटरी चला रहा था हुकूमत, आज भी चीफ सेक्रेटरी चला रहा है, उस वक्त भी चीफ सेक्रेटरी चला रहा था। ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी ऊपर मरियम को नहीं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा 14 रुपए का बिजली का रिलीफ दे रही है पंजाब की हुकूमत को, आप कैसे कह रहे हैं डमी चला रहा है? उस्मान बुज़दार साहब ने तो कभी भी आके टीवी पे ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की। नहीं तो वो 45 अरब रुपया भी गले में भी तो पड़ गया है ना। आपने अगर फैसला किया, नवाज शरीफ साहब आए खुद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और IMF को क्लियर ही नहीं किया कि हम ये पैसे दे रहे हैं डिस्पाइट और इसके इनके भाई अपने जो हैं वो छोटे वजीर आजम हैं, और उन्होंने IMF से और अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे कंसल्ट ही नहीं किया कि हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और उन्होंने फैसला किया और आपने देखा IMF ने स्नैप कर दिया, उन्होंने कहा हमसे पैसे लेके आप कैसे इस तरह से बांट सकते हैं, रिलीफ वापस देना पड़ेगा। जो बाकी सारे काम है वो फ्रेंकली मरियम नवाज, तो यही प्रॉब्लम होता है जब एक प्रोसेस के थ्रू आप ना आए हो। अभी आप देखें ना, आप MPA बनते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनते हैं, सीखते हैं, फिर मिनिस्टर बनते हैं, आप एक प्रोसेस है जिसमें आके आप सीखते हैं। जब आप सिर्फ इसलिए वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला बना दिए जाएं कि आप नवाज शरीफ की बेटी हैं, तो फिर वही होता है जो यहाँ पे हो रहा है, एक तमाशा लगा हुआ है। सेक्रेटरीज जो है वो अपने अपने मामला चला रहे लेकिन हैं, लेकिन बुज़दार साहब के मामले में चले आप भी कंक्लूड करते हैं, ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब वॉज बेटर देन मरियम नवाज। 19-20 का फर्क है, और मेरा ख्याल है बुज़दार इसलिए बेहतर था कि स्टेबिलिटी थी, अब स्टेबिलिटी भी नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब की राय हो सकती है, बट बुज़दार साहब जो हैं वो बाय द वे वो भी किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहे हैं। अगर मरियम नवाज साहिबा नहीं रही, जस्ट टेलिंग यू कि बुज़दार साहब, मरियम नवाज साहिबा तो चले कोई चार चीज़ें कर लेती हैं ऑन सोशल मीडिया, बुज़दार साहब वॉज अ वेरी क्वाइट पर्सनैलिटी एंड उन्होंने तो कभी, चले उनके तो चाचे ने पैसे पर हाँ। वो बुज़दार साहब के ऊपर तो क्रिटिसिज्म आपको पता ही है, वो तो जब इक्तदार में थे भी तो हमने बड़ा क्रिटिसिज्म किया है, और एक्चुअली टू बी फेयर विद इवन प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ कई दफा मामला उठाया है। हाँ। तो वो तो आप देखें ना, आप उनके ऊपर तनकीद हम इतनी कर चुके हैं, आप इस वक्त तनकीद करना तो हाँ। क्या उसके ऊपर करें, हालात ही ऐसे नहीं है, तनकीद करना अच्छा ही नहीं लगता। बट फैक्ट इज के 19-20 में फर्क था, और आई थिंक बुज़दार इस लिहाज से चूंकि स्टेबिलिटी थी तो वो मे बी ज्यादा डिलीवर कर। चलें कोई नहीं, बुज़दार साहब भी सीख रहे थे ये खान साहब ने कहा था, और मेरा ख्याल से मरियम नवाज साहिबा भी पहला एक्सपीरियंस है, सीख रही हैं। लेकिन अनदर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू फवाद चौधरी साहब, वो वसीम अकरम प्लस थे, ये भी वसीम अकरम प्लस प्लस थे। ठीक है फवाद चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अट्रैक्ट करने में PTI क्यों नाकाम हो गई, और क्या इज देयर एनी चांस कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट स्लैश कोई मुजाकरात हो सकते हैं? अगले देखिए 10 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि जो अगले 10 दिन हैं वो बड़े क्रूशल हैं इस लिहाज से कि मौलाना फजलुर रहमान ने फैसला करना है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे वोट करना है या नहीं करना। मंसूर अली शाह को रोकने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो ड्राफ्ट करके वो लाना चाहते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करके उठा के जो कुछ हो रहा है सामने वो आपके सामने है। सो दे वांट टू डू एवरीथिंग दे कैन डू, सो उसमें अभी 10 दिन में पता चल जाएगा। अभी तक तो जो मेरी इंटरेक्शन हुई है JUI के लोगों से वो क्लियर है, वो कहते हैं कि नहीं हम वोट नहीं कर रहे। अगर JUI वोट ना करे तो फिर सेनेट में फर्क इतना ज्यादा है कि फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आ सकती। तो अब लेकिन बहरहाल देखते हैं, हुकूमत वाले लोग भी दावा कर रहे हैं कि हम उनको मना लेंगे, बट लेट्स सी, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल डिसीजन। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का साथ दिया तो उनकी पॉलिटिक्स को बहुत जरूरत पड़ेगी, जिसका उन्होंने इजहार खुद भी कल किया है। तो आई थिंक JUI के लिए आसान फैसला नहीं होगा। बाकी सारे PTI में देखिए ना लिमिटेशन है, अनफॉर्चुनेटली पहले ये हो जाना चाहिए था, काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अपोजिशन अलायंस आपको पता है, मैं आपके प्रोग्राम में भी और कई जगहों पर ये बात कर चुका हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमरान खान की रिलीज के लिए कि ये अलायंस हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लिमिटेशंस तो हैं, फिर हमारी क्या कर सकते। हाँ, लिमिटेशंस भी हैं, और फिर जाहिर है कि कंफ्यूजन का शार भी नजर आती है जो मौजूदा कायदा था। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला।